इन दो भाइयों ने कबाड़ा कर दिया रणबीर कपूर का करियर। इस बॉम्बे वेलवेट की चर्चा चारों ओर थी, वो बॉक्स ऑफिस पर फुस हो चारों खाने चित हो गई। रणबीर कपूर को तो करारा झटका लगा है, जिन्होंने इस फिल्म के बहाने क्या क्या ख्वाब देख डाले होंगे। सोचा होगा कि उनके काम की प्रशंसा होगी और फिल्म 200-300 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर वे खान तिकड़ी को टक्कर देने में सक्षम हो जाएंगे। इसके पहले उनकी दो फिल्में रॉय और बेशरम भी पिट चुकी है। रॉय को तो छोड़ा जा सकता है क्योंकि रणबीर का रोल ज्यादा बड़ा नहीं था। बेशरम में रणबीर से बेशर्मी वाली हरकतें अभिनव कश्यप ने करवाई थी, जो दबंग की सफलता के बाद हवा में उड़ने लगे थे। बेशरम मसालों से भरी थी, लेकिन दर्शकों को बदहजमी हो गई और फिल्म पिट गई। बॉम्बे वेलवेट को अनुराग कश्यप ने बनाया। यह फिल्म इतनी फीकी है कि दर्शकों को बेस्वाद लगी और उन्होंने अपना निर्णय सुनाने में देर नहीं लगाई। अभिनव और अनुराग ने रणबीर के करियर का कबाड़ा कर दिया, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। इन दोनों भाइयों के चक्कर में रणबीर ने जग्गा जासूस और तमाशा जैसी फिल्मों को आगे कर दिया। इन फिल्मों को इतना समय दिया कि इसी बीच अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह जैसे सितारे रणबीर कपूर से आगे निकल गए। खैर, रणबीर की उम्र अभी कम है, वे प्रतिभावान हैं और वापसी में समर्थ हैं। कश्यप ब्रदर्स से शायद उनका मोह भी भंग हो गया होगा, अब शायद ही वे उनके साथ फिल्म करना पसंद करें।